समय देश के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं तय एमएसपी से अधिक भाव पर बिक रहा है। निर्यात के लिए हो रही खरीद का फायदा किसानों को मिल रहा है। सामान्य तौर पर गेहूं कटाई सीजन में दाम गिर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण निर्यात के लिए बनाए नए मौकों से दाम में बढ़ोतरी हुई है। बढ़े हुए दाम के बीच किसान पैदावार स्टॉक करने लगे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में कीमतों में और इजाफा होगा और गेहूं का भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगा। फिलहाल किसान 2100 से लेकर 2500 रुपए तक के भाव पर अपने गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए गेहूं की एमएसपी 2,015 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान गेहूं स्टॉक करने पर जोर दे रहे हैं, उन्हें दाम बढ़ने की पूरी उम्मीद है। किसानों का भी कहना है कि कीमतों में इजाफा होने की पूरी संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के कई जिलों में उत्पादन और मंडियों में हुई बिक्री में भारी अंतर है। इससे स्पष्ट होता है कि किसान अधिक कीमत की चाह में भंडारण कर रहे हैं। वहीं कृषि विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब के फजिलका में गेहूं उत्पादन में 8% की गिरावट आई है, लेकिन बिक्री में 31% की कमी देखी जा रही है। मुक्तसर, बठिंडा, मोगा, मानसा, फिरोजपुर और फरीदकोट जिले से भी ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है। आने वाले दिनों में दाम बढ़ने की चाह में गेहूं को रोका जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ वही किसान कर रहे हैं जिनके पास सुरक्षित भंडारण की पूरी व्यवस्था है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।